मधुबनी नगर में विश्व हिंदू परिषद सह बजरंग दल एवं जयनगर में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों के द्वारा पुलवामा के वीर शहीदों की बरसी पर श्रद्धांजलि दी गई। नगर में श्रद्धांजलि सभा में युवाओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जो हनुमान प्रेम मंदिर से स्टेशन चौक के रास्ते शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए थाना मोड़ विद्यापति टावर तक आया, जिसका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेश कुमार ने किया। पिछले साल आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो भारतीय सैनिक के बस जा रही थी, उसमें कायराना हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किया गया और हमारे 44 जवान शहीद हो गए। उनके लिए आज श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन हम मधुबनी वासी और मधुबनी नगर के युवा लोग कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। और भारतीय सेना हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, देश के लिए रक्षा के लिए हम सभी भारतीय सेना के साथ हैं। और सेना के वजह से हम लोग आज घर में अपने चैन से सो पाते हैं। भारत माता की जय। रक्षा करते हैं तो मॉर्निंग वॉक ग्रुप के द्वारा आज जो है शहीदों के नाम जो है सो एक कार्यक्रम रखा गया है ना, जिसमें सभी लोग जो है सो कैंडल मार्च से जला करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। तो मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि आज सैनिक ही है जिसकी बदौलत हम सुरक्षित हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सर, आपका क्या कुछ कहना है इस संबंध में? सबसे पहले सर कि मैं बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूं, जो पिछले साल घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है, जो किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अंदर से तो खून भी खौल रहा है कि इसके प्रति हम लोग भी बहुत जागृत हो रहे हैं कि हम लोगों को भी ऐसा मौका मिले तो हम लोग भी बदला ले सकते हैं। इसी के हमारे जो जितने भी सैनिक थे उस दिन जो उस में मारे गए, उसको हम श्रद्धांजलि आज मॉर्निंग वॉक ग्रुप के द्वारा दे रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे पाकिस्तान के हैं उसको भी मैं कहना चाहूँगा कि तुमने जो ऐसा किया है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा और ऐसा घटना फिर नहीं होने दूंगा। ये मॉर्निंग वॉक ग्रुप का सभी लोग और यहाँ के जितने भी जनता है सभी लोग हम कसम खाते हैं, आज के बाद ऐसा घटना कोशिश करेंगे हम लोग ऐसा न होने दे कभी। अपनी तरफ से पूरी चौकसी भी बरतेंगे और देश की जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोग जी हम लोग जाने के लिए तैयार है, जब खोजा जाए सर 24 घंटा हम लोग तैयार है देश के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हनुमान प्रेम मंदिर से में जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, आज उसकी पहली बरसी पर हम लोग उन शहीदों के प्रति वीर श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के साथ हम लोग हैं। आज हम सभी मधुबनी जिला वासी हनुमान प्रेम मंदिर से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विद्यापति टावर पर कैंडल मार्च के माध्यम से उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सुरक्षा मुहैया की जाए, उसको हर संभव सहयोग दिया जाए। जय हिंद, भारत माता की जय। आज हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे जवान, उनके सम्मान में आज हम लोग अभी स्टेशन के हनुमान मंदिर के पास से और थाना चौक के पास विद्यापति टावर या कैंडल मार्च समाप्त किया जाएगा। हम लोग शहीदों के सम्मान में और सबसे मांग करते हैं जो उनको सारी सुविधा दी जाए, यही हम लोगों का मांग है। और आज का कार्यक्रम है सम्मान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम कैंडल मार्च किया जा रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हटाना ऊपर उठाओ। पिछले साल जो एक कुकृत पाकिस्तान द्वारा रचित एक आतंकवादी घटना जिसने पूरे देश को छठो कर रख दिया, पुलवामा में पार्टी के द्वारा बम से विस्फोट, पूरे बस में जो हमारे शहीद जवान जा रहे थे उनके साथ जो प्रकार कायरनापूर्ण बर्ताव पाकिस्तान ने किया, तो बुलाया नहीं जा सकता।
उन्हीं शहीदों को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये संयुक्त प्रयास, एक नमन श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग सब शहरवासी एकत्रित हुए हैं, जो कि शहर के भूमि मार्गों से होता हुआ विद्यापति चौक तक जाएगा कैंडल मार्च, और देख रहे हैं कि कितना आक्रोश है। और उस समय जो घटना हुआ था, उस समय देश का जो देश की जो हालात थी पाकिस्तान के प्रति, उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा लिया गया, फिर भी उसको चुप नहीं बैठना है। हमको अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा पीओके चाहिए। पिछले साल आज ही के दिन पुलवामा में हमारे देश के जवानों के साथ बर्बरतापूर्ण काराना हमला कर आतंकवादियों ने हमारे देश के 44 जवानों को शहीद कर दिया था। आज उसी के बलिदान दिवस पर हम सभी मधुबनी शहरवासी आज रेलवे स्टेशन मधुबनी बजरंगबली मंदिर के प्रांगण से उनको उनका हौसला बुलंद करने के लिए, इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए और देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सभी भारत माता की जयकार लगाते हुए आज इस जो हमारा यात्रा है, उस यात्रा को हम शहर भर में भ्रमण कर सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 14 फरवरी 2019, वही आज ही के दिन पुलवामा जम्मू कश्मीर में जिला है, उसके बगल में अतरनी नाम का जगह है, जहां पर आरडीएक्स से भरी हुई एक गाड़ी जो जानबूझ करके सीआरपी के जवानों की पर हमला कर करके 44 जवानों की हत्या कर दी गई। हम लोग उनकी याद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी और सभी हिंदू भाई और सब भारतीय जो है तो आज तिरंगा आज जो है सो कैंडल मार्च हम लोग कर रहे हैं, जो यहां से हनुमान प्रेम मंदिर से होते हुए विभिन्न मार्ग होते हुए थाना मोड़ तक जाएगी। इस कार्यक्रम में हमारे सभी भाई खुल करके हम लोग का मदद किए हैं, और इस कार्यक्रम के मार्फत से मैं ये भारत के सरकार, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको मैं सूचना देना चाहता हूं कि जो शोक संतप्त परिवार है, जो शोक संतप्त परिवार है, उन 44 परिवारों के साथ उनके साथ उनका साथ देना है, उनके साथ क्या है, उनके साथ समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ध्यान देना है। सिर्फ सती मनाना या वर्षी मनाना कोई काम नहीं है, आगे से ऐसी घटना न हो, ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसकी कोशिश करना है।